वीडियो मना कर रहा था, खुद ही मैंने दबा दिया। टड्डा थोड़े टूटा नहीं है, टूटा नहीं है, टूटा नहीं है, बजिया बजिया टेप दियो यार। सो आसिम भाई के बैग में होगा। एम के काइट क्लब ने छोड़ दिया भाई 25। अस्सलाम वालेकुम। और रेहान भाई, आज मैं देवबंदी बना, आज यासीन लोग हो सकता है जीत जाएंगे हमसे, क्योंकि स्कोर क्या उनका आज? अबे हाँ, आज 10 आगे है ना वो लोग, 83 और 73। बहुत काटा इन्होंने सैकड़े में, हमारे आखिरी पांचवा सैकड़ा चल रहा है हमारा। हो सकता है अब इसके बाद हमारी कोई नई टीम हो जिससे पेश हो। जीत दी थी इन लोगों ने, स्मरता ये देखो, ये देख लेगा नबी वक्त देखता है वीडियो। अबे हम लोगों ने जीत दी थी, हमने कहा यार बच्चे हैं बेचारे एक आदमी यार, ये मजाक कर रहा है यार। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक ही कर रहा। चलो अभी दो बड़े लड़के और आ रहे हैं हमारे, एक उमर है और एक फैजी है। एमके काइट क्लब में गए हैं पीछे। एमके स्टैंड्स वो यार, वो स्टैंड्स वो टू टू कर दूंगा, पतंग छोड़ दिया। ओ ये सामान फिर है, आज हवा थोड़ी सी रोड के साइड है तो थोड़ी सी जगह चेंज की हमने। पीछे से भी नमाज भी पढ़ेंगे और आसिम भाई लड़ा रहे हैं। चलो पेज दिखाते हैं थोड़े बहुत। ये भाई रेहान भाई का सीधा बल्ले और रेहान भाई पतंग निकाल लें। वाह रेहान, ये आखिरी का पतंग है तेरा, तू इससे आखिरी में स्कोर करता है रेहान, ये आखिरी मुराद है। यहाँ से मैंने पतंग छोड़ी हुई अपनी, पेच में जा रही है। सुहेल भाई नमाज पढ़ रहा है, गाड़ी हमारी रोड पे खड़ी हुई है। आसिम भाई का पतंग है। अरे उमर का कलीदार छोड़ रहा है, देखो यार उमर उड़ाता है ये, तुम्हारा है। चलो तुम अपना शौक पूरा करो। रेहान ने चरखी, अरे उड़ा दी थी आसिम भाई, मैंने कहा चलो उड़ा। कौन सी डोर है रेहान? ये 25-24। रेहान कितने की ली थी ये? ये बड़ी महंगी। ये डोर किसी के पास आई थी, बोला था यार मेरे से चल नहीं रही। 25-26 बहुत प्यारी डोर है, वसीम भाई की ना, वसीम भाई की है, बहुत प्यारी डोर है। उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं चल रही, रेहान ने बड़े सस्ते में खरीद ली थी ये डोर। और वो बंदा अब वो बंदा क्या बोल रहे अबे आसिम भाई का पेज फंस गया। अरे बहुत आला आसिम भाई, आया मैं वीडियो मना कर रहा था, खुद ही मैंने दबा दिया। टड्डा थोड़े टूटा नहीं है, टूटा नहीं है, बजिया बजिया टेप दियो यार। सो आसिम भाई के बैग में होगा। एम के काइट क्लब ने छोड़ दिया भाई 25 सफायर से छोड़ा है, मैंने नहीं उड़ाई भी भाई। अब फैजी ने पिछले संडे काटे थे बहुत टेस्ट टेस्ट लंबे लंबे। सुहेल भाई गए पतंग, सुहेल भाई के दो बचे थे, एक मुझे दिया। सुहेल भाई मुझे दिया था ना, एक मुझे दिया था ना, ये भी दे देना आज। सुहेल भाई जैन बाबा का पतंग है ये। सुहेल भाई खींची का पतंग लाइए, मैं पकड़ू, चेक तो करें, चेक किया हुआ आपने? ये पट्टी का में तावा है 42 का, नापना पड़ेगा। बहुत आला रेहान भाई यार, कितने काटे तुमने? तीन काटे हैं, लेकिन बहुत टाइट पेश काटे हैं यार। उमर का पतंग छोड़ा था रेहान ने, कलीदार छोटा। उमर अगर तेरे को पता चलेगा तेरा पतंग उड़ा लिया हमने तो कुछ बोलेगा तो नहीं ना? नहीं कुछ नहीं बोलेगा ये। उस्ताद का पेच हो रहा है नबी बख्श से, नबी बख्श चांडियों से उनके पेच की रिकॉर्ड करने थे। आसिम भाई बैठे, अरे आसिम भाई क्या बात है, आसिम भाई क्या बात है यार। ये वहीद भाई आए हुए नीचे से आसिम भाई के, बहुत अच्छा पेच लड़ाते हैं। अरे बहुत आला आसिम भाई, वो भी चुप चुप। फैजी भाई लेट हो गए, आप रेहान ने तो अपना स्कोर कर लिया है। ये हमारा भाई जब तक हमारे साथ है हिम्मत करता रहेगा। अबे यार नहीं नहीं रेहान हमारा भाई, रेहान ही काट दूंगा। श्रीलंका को आग लगाने वाला बंदा ये है हमारा रेहान।
नहीं जहाँ गीबत होती है वहाँ नहीं आता ये। जहाँ गीबत हो रही थी वही आया मेरे को। वही यासिर भाई का तीसरा पेच हो रहा है यासिर से। यासिर भाई लेफ्ट साइड पे नीचे से आ रहे हैं और आसिम भाई ऊपर से हैं। हटो फेदी भाई। ये हमारे फेदी भाई आए थे कैमरे में हाथ हिलाने के लिए। ये देखिए यासिर भाई ने नीचे आसिम भाई ने ऊपर किया। अरे बहुत आला आसिम भाई क्या बात है यार, बहुत आला है यार, बहुत आला। ये हमारे आसिम भाई खड़े हुए, ये हमारे आसिम भाई खड़े हुए, उमर चरखी पकड़ा हुआ है, इससे पहले रेहान ने काटे और अब आसिम भाई काट रहे हैं। ये हमारे सुहेल भाई है बैकअप पे अभी। फेदी सुहेल भाई सही बोल रहे हैं। ये हमारे भाई बंधु अभी बिरयानी खा रहे हैं, जिब्रान भाई, सुहेल भाई, अजी भाई। और बिरयानी कहाँ की है? अच्छा तो नाजमाबाद की किस जगह की है? नाजमाबाद में तो ये गुजर नाला नहीं यार, फिर उस्मानाबाद में था ये। उस्मानाबाद की है? उस्मानाबाद नाजमाबाद में किधर है यार? अच्छा उस्मानिया रेस्टोरेंट है ना। कैसी बिरयानी? अच्छी बिरयानी सुहेल भाई लाए नाजमाबाद दो नंबर से। और आसिम भाई ने भाई अभी पेच काटा है ऐसा कोई क्लास का खतरनाक, क्या बात। चांदी उस्ताद नीचे से आए हुए फेजी ऊपर से। अबे 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 बहुत आला अबे फेजी बहुत आला यार, चांदी को भी काट दिया यार। ये हमारे आज के हीरो हैं जिब्रान भाई, बहुत हीरो हैं। पांच कटे एक काटी है, पांच कटे एक काटी है, एक काटी है यार। तुम तो हमें बता रहे हो पांच काटी है, नहीं नहीं पांच इसने काटी है, पांच इन्होंने काटी है और एक ये कटे हैं, दो कटे दो कटे दो कटे और बाकी अभी में ये हमारे बराबर वाली टीम में खड़े हैं हमारे भाई हैं। ये 5000 वाली डोर है, ये तो धोती खींच रहा है। हाँ भाई अजीम भाई शौक हो रहा है तुम्हारा आज हमारे बराबर में, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। वो जो पार्ट 1 में थी ना, पार्ट 1 में जो दो डंडे वाला पतंग है वो ये अजीम भाई है जिसके लिए हमने बोला था कि हम अजीम भाई को देंगे यार। तीन पतंगे हमने अजीम भाई के लिए रखी है, बस आना होगा रेहान को ले जाएगा इंशाल्लाह। सही है, तीनों पतंगे तुम्हारे लिए रखी है हमने। ये अजीम भाई है यार बहुत अच्छी पतंगबाजी करते हैं यार। हम आ रहे थे, हम पहली दफा वनडे आ रहे थे तुम लोगों के, लेकिन शौक हुआ था अच्छा, बाद में टीम नहीं बनी, मजा आया था सुकून का। चलो अभी दिखाते हैं अजीम भाई बराबर में लड़ा रहे हैं इनके शौक हमारे उस्ताद के साथ जुल्फी भाई के साथ शौक दिखाते हैं। इसका रेहान गरम जा रहे हैं। चले भाई आज हम आपको एक मांझा दिखाएंगे फेजी भाई का, फेजी भाई वसीम भाई के, वसीम भाई मरूंगा मांझा है और रेहान भाई आपको बताएंगे। हाँ रेहान भाई ये रहा M3000 भाई, ये मांझा है तकरीबन आपके 12 साल हो गए भाई इसको, 12 साल पुराना मांझा है, 2010 का है, 14 का चलता है, 11 का M3000 सीधा भले। ये इसका गेज क्या है रेहान? इसका गेज 12 है। 12 थोड़ी होता है, 9 तार होगा ना M3000 का, 12 तार M2000 का वही 12 तार होता है। किधर आई भी है, 9 तार भी आई है, ये बड़ा अच्छा गेज है। कितनी प्यारी चरखी है ये, कितने पीस की है फेदी भाई? 6 रील की है, 6 पीस की चरखी है। जब आई थी जब इसमें ली होगी 4000-4500 डेट लिखी भी होती है फेदी की चरखियों पे, लेकिन है नहीं M3000 लिखा हुआ है। और डेट लिखी नहीं है, ये तो लिखी है ना मार्च 2000 की चरखी है, नहीं 2000 की कहाँ होगी, हाँ उस टाइम पे होगी 2000 रुपए की, नहीं नहीं उस टाइम पे भी 4000 की थी उस टाइम। 28 जनवरी 2012 की चरखी है ये, 28 जनवरी 2012 की चरखी है ये, बड़ी बेहतरीन डोर है, इससे बड़ी हमने कटाई है। और एक जो भी हम पेच काट रहे हैं जिससे आसिम भाई की चरखी है वो ये रही, ये चरखी है यूरो सीधा बल, ये भी बहुत अच्छी चरखी है, बहुत अच्छी चरखी है। ये देख तार देखो इसका, कौन था ये है नोतार, ये वही था है। असल में हम मैदान में हैं और मैदान में पेज भी हो रहा है, मैंने कहा चलो आज हाथ के हाथ इनको पेज वो दिखा दो डोर। ये है यूरो सीधा बल, ये भी जैन बाबा से लाया था वसीम भाई की शायद। असल में मैदान में हैं और मैदान में शौक भी चल रहा है। ये यूरो डोर है सीधा बल, बहुत प्यारी डोर है, बहुत पुरानी थी आसिम भाई की। यार अभी 2 चाहिए हमें, उन्हें चाहिए 8। ये बड़ी प्यारी डोर है यार, ये मेरी 25 सफायर है, ये मेरे को फैजी भाई ने दी थी। अच्छी अच्छी डोरे इनसे लेकर आते हैं हम।
25 सफायर बहुत प्यारी है वसीम भाई की। वसीम भाई सारी वसीम भाई की डोरे नहीं, वसीम भाई की भी बोल रहे थे। अच्छा जैन बाबा से लिए, हाँ यूरो जैन बाबा के पास आती थी। चले भाई हमारे 99 हुए हुए और आसिम भाई लड़ा रहे हैं, 10 पीछे थे और आज हमने पूरी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये आसिम भाई लड़ा रहे हैं नीचे से, वहाँ से ऊपर से आया हुआ बंदा देखें, ये ऊपर से आया हुआ है गड्ढे पे। 99 हुए आसिम भाई काटेंगे तो हम जीत जाएंगे। ये बैठा बंदा कौन है, वहीद भाई है? हाँ वहीद भाई हैं ये, बचत हो गई वरना वहीद भाई लेके चले गए थे। चले भाई दोबारा से पेज स्टार्ट हो गया। ये वहीद भाई ने जगह बनाई अपनी, आसिम भाई रिलैक्स खड़े हुए नीचे से, लेफ्ट साइड पे वहीद भाई हैं, ये ऊपर से आए हुए हैं देखें, सीधे हाथ पे जो है पतंग ऊपर ये नीचे आया, ये वहीद भाई का पतंग है। अरे बहुत आला वहीद भाई, सबर चेक करें हमारे कप्तान का। अरे बहुत आला आसिम भाई, क्या अंदर बेरा यार आसिम भाई, बहुत आला आसिम भाई, बहुत आला यार, बहुत आला यार, बहुत आला यार, क्या पेच काटा यार, बहुत आला यार। ये उमर भाई बैकअप पे थे भाई, ये हम एक और जीत गए लाते मेरे को, तो मेरे को बोला उन्होंने मेरे को बोले लड़ाने के लिए। ये देखें भाई लड़ रहे हैं आपके आगे, वीडियो में रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने बोला जिब्बू लड़ा दो। जिब्बू लड़ा, ये देखो यार इन्होंने सैकड़ा जीतने के बाद उन्होंने बोला लड़ा दो, ये हमें नहीं दे रहा पतंग। एक और आ रहा है, अबे यार ये भी आ रहा है भाई, हमें दिया उन्होंने, हमें दिया है लड़ाने के लिए। आसिम भाई ने उमर लड़ाएगा, चलो उमर लड़ाएगा, फेजी ने बोल दिया तो बोल दिया, बस सही है। ये उमर का पेच हो रहा है पप्पू से, ये पप्पू ऊपर से जा रहा है फेरेगा पप्पू। हाँ ये उमर सीधा आसिम भाई, अरे ले गया उमर, ले गया उमर, बहुत आला भाई, पप्पू को काट दिया उमर। और ये हमारा पप्पू कट गया यार, हमारा भाई पप्पू कट गया यार, बहुत आला उमर। चलो भाई आज का दिन इख्तिताम हुआ, उमर भाई आखिरी फ्री स्टाइल में लड़ा रहे हैं। उमर भाई तबीयत सेट नींद की, आज इतना मंदिर है हम पे नहीं आएगी, ये लियाकत भाई मरूम की पतंग उड़ा रहे। अब मिलेंगे अगले संडे इंशाल्लाह, हवा होगी तो अगली टीम के साथ। अल्लाह हाफिज़। उधर से ही रखी हुई ना, नरम हो गई होगी ना पता। अबे फेदी बहुत आला है यार। ये हमारे यासीन भाई है, यासीन भाई से हमारा भाई जिब्रान ने इतने ऐसे अच्छे काटे पैंच, हम लोग पैंच ही अपना। अबे नहीं यार, अबे यार जिब्रान ने जो पैंच काटे हम लोग अपना पैंच ही। 5 सैकड़े के बाद वो जा रहे हैं भाई, इसने काटे यार। चलो यार हमने अभी 5 सेकंड के बाद हमने, चलो यार यासीन भाई से ये डिसाइड हुआ है, अब यासीन भाई भी किसी और से लड़ा के देखेंगे, हम भी किसी और से लड़ा के देखेंगे, मज़ा नहीं आया वापसी। सही है, मज़ा नहीं आया वापसी। छपे ये क्या बोल रहे, ये है कि इसके लिए यही काफी है कि भाई ये नमक नहीं है, नमक ग्राउंड नहीं है और ये बच्चों की टीम नहीं है, ये बच्चों की टीम है। अबे हाँ नमक पे रियान ने 17 काटे थे, यहाँ पे 17 काटा है, यहाँ पे तकरीबन अगर पैच देके जाए तो अपने हाथ पे नीचे ही होगा नीचे। चलो यार ये यासीन भाई काट के पतंग उतार रहे हैं, आपस में लड़ा लिया हमने फ्री स्टाइल में, और ये यासीन भाई अपना कलीदार उतार रहे हैं, उजेर आ रहा है, कोई मसला तो नहीं हो गया। चलो भाई यासीन भाई काट के उतार रहे हैं, आज तो मजा आया। चलो यार ये जहीर भाई का कलीदार है। चलो यार